Hi guys, let's look today class 8 English supplementary second chapter, bringing up curry or curry, whatever you want to say, you can say bringing up curry or a curry. So I call it, this is as a curry, and we will finish this chapter very easily. So just follow with me and you will enjoy this, all the story. So for that, first of all, you need to know the characters. The characters of first one is curry or kari, that is elephant. Second one is the writer or narrator, author. Both they are writing in this full story. So you need to understand the two characters. The first point, let's look. Curry was 5 months old, writer was 9 years old, when curry given to him to take care. So यहाँ पे ये बात हो रहा है, जब writer को curry मिला था वो 9 months old का था, और sorry 5 months old का था, उन्होंने 9 years का था. Writer कितना years का था? 9 years का था. और जब इनको मिला था, दोनों क्या थे, मतलब दोनों छोटे छोटे थे. फिर उनको टेक केयर करने के लिए मिला. ही कुड रीच करीज बैक इफ ही स्टूड ऑन द टिप टो. सो जब उन्होंने पैर में एकदम खड़े होने के टाइम पे, जो टो पे खड़े होते हैं ना, सो उस टाइम जब खड़े होगा तभी उनका हाइट के हिसाब से आता था. दे ग्रू टूगेदर. करी लिव्ड इन अ पेवेलियन. It was made a very strong. So इन लोग दोनों क्या करते थे, मतलब एकदम अच्छा क्या ग्रो हुए थे. 2 साल तक उनको क्या नहीं हुआ, उतना ज़्यादा लंबा भी नहीं हुए, और ये भी क्या नहीं हुआ, उतना ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ था, मतलब एकदम साथ में इन लोग ग्रो हो रहे थे. फिर उनको पेवली में रखा जाता था, मतलब वो साइड में पूरा अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वगैरह डाल के एक खंबा वगैरह रखते थे, और साइड में पूरा अच्छा एक ट्री के साथ क्या किया गया था, उसको बांधा कर रखे थे, ताकि कुछ ना कुछ उसको, ये तो पावरफुल एनिमल है ना, कुछ भी हिलाते तो क्या हो सकता है, उसके ऊपर सब गिर सकता है. सो एकदम स्ट्रांगली उसको बनाया गया था. देन आफ्टर द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज सेविंग द बॉयज़ लाइफ. सो यहाँ पे एक फर्स्ट बात है, करी ने क्या किए थे, एक लड़का का लाइफ को क्या किए थे, सेव किए थे. ये वाला बात हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है, एक बॉय के लाइफ को कैसे इन्होंने सेव किया करके. सो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. देन उनका खाने का स्टाइल क्या है, ही डिडंट ईट मच, ओनली 40 pounds ऑफ प्रिक्स अ डे टू चू एंड प्ले. सो ये बहुत सारा नहीं खाते थे, सिर्फ 40 pounds का खाते थे. आती है सोचने के टाइम भी बहुत सारा खाते करके हम लोग सोचते हैं, बट ये वाला आती है सिर्फ 40 pounds का खाते थे. और एक क्या करते थे, ट्विक्स मीन्स क्या होता है, जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं वो ऊपर से जो लीव्स ज़्यादा आता है ना, उसको बोलते हैं. देन आफ्टर एक चू मतलब चबाने के लिए भी, और खेलते खेलते वो क्या करता रहता है, उसको खाते रहता है. देन आफ्टर एवरी डे ही यूज टू टेक करी टू रिवर इन द मॉर्निंग फॉर अ बाथ फॉर एन आवर. सो ये क्या होता है, इसको कहाँ तक ले जाते हैं, रिवर के लिए ले जाते हैं, रिवर में ले जाके क्या करते हैं, उसको नहलाते ले जाते हैं. फिर उसके बाद क्या करते हैं, एकदम नहाते नहाते क्या कितना घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है. फिर जो राइटर है वो क्या करता है, अच्छा क्लीन वाला सैंड को निकाल के क्या करता है, उसको ऊपर बॉडी के ऊपर क्या करता है, रब करते हैं. फिर वैसे उसका जाता है. फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो एकदम आधा 1 घंटा तक रहता है. फिर उसके साथ साथ क्या भी करते रहता है, जब उनको क्या हो जाता है, नहाना बंद हो जाता है, वो पानी में ऐसे ही लेटे ही रहता है. फिर ऑन कमिंग आउट इट वुड बी शाइनिंग एंड वुड स्क्वील विद अ ब्लशर. जब ये क्या करता है, पूरा नहा के मन भर जाता है, उसके बाद बाहर आने के टाइम पे क्या करता है, उनका बॉडी पूरा कैसे दिखता है, एकदम शाइनी दिखता है. फिर उन्होंने क्या करता है, एकदम चिल्लाता है. चिल्लाता है क्यों चिल्लाता है, क्योंकि उसको क्या बहुत खुश हो जाता है, वो एकदम अच्छा फ्रेश हो गया करके. फिर ईजिएस्ट वे टू लीड एलिफेंट इज टू टेक बाय ईयर. सो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, इन्होंने इसको कैसे
करी को कैसे ले जाता था, इन्होंने क्या करता था, उनको कान से क्या करता था, उसको पकड़ के कान के पास रख क्या करता था, उसको ले जाता था, क्योंकि वो कान से क्या होता है, उनका सेंसिटिव बात ज़्यादा रहता है, सो उसको वहाँ से क्या करता था, पकड़ के क्या करता है, उसको ले चलते रहता था। फिर फर्स्ट बात है, नहाने के लिए ले जाते हैं, फिर लीव ऑन द जंगल एज। सो नेक्स्ट क्या करते हैं, जैसे आते वक्त क्या कर देते हैं, वो जंगल के किनारे साइड पे क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उनको फूड, डिनर के लिए फूड फाइंड आउट करने के लिए वो राइटर और राइटर के साथ एक और भी चला जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ट्विक, यहाँ पे क्या है, ट्विक्स को कलेक्ट करने चाहते हैं। सो ट्विक्स को कलेक्ट करने जाने के टाइम पे यहाँ पे एक और बात को माइंड में रखना चाहिए, वो कट विथ अ शार्प। सो ट्विक्स को कट करते हैं, कट करने के टाइम पे वो कैसे कट करना पड़ता है, शार्प नाइफ और एचेट कर रखे क्या करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है। अगर कट नहीं करने पर क्या वो कर लेता है, वो खाता नहीं है, वही है यहाँ पॉइंट पूरा देखेंगे। ट्विग मस्ट बी कट विद अ शार्प एचेट इफ द ट्विग्स मटिलेटेड करी वुड नॉट ईट। इट मीन्स व्हाट, वहां से जैसे कि हम लोग कुछ लकड़ी वगैरह काटते हैं तो क्या आता है, एक ही बार में क्या हो जाता है, कट जाता है, ऐसे काट लकड़ी के काटते हैं तो एक ही बार में कट जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, काट लकड़ी काटने के टाइम पे एक बार दो बार ऐसे ऐसे हो जाता है, कुछ कुछ लकड़ियाँ ऐसे ऐसे हो जाता है। सो वैसे ही होने के टाइम पे वो क्या नहीं करता है, काटता नहीं है, मतलब एक बार काटने के टाइम पे एक ही बार में क्या होना चाहिए, शार्प एचर से काटना पड़ता है, ताकि वो एक ही बार में क्या हो जाए, कट हो जाए। अगर बीच बीच में ऐसे टूटा फूटा रहता है तो वो क्या नहीं करता है, उसको काटता नहीं है। फिर उसके बाद इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, देन नीड टू क्लाइंब ऑन ट्रीज, फाइंड डेलिकेट ट्विग्स एक्सेट्रा। सो ये क्या होता है, वो बहुत ही ईजी जॉब नहीं है, उसको पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर शार्प एचर को रख के उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, करके बहुत सारा काम हो जाता है। उसको काम करते करते कितना घंटा लग जाता है, हाफ एन आवर लग जाता है। फिर इसका एक फेवरेट फूड था, वो क्या है, करी का एक बनियन ट्रीज के ब्रांचेस खाना उसको क्या था, बहुत ही अच्छा लगता था, सो इसको यूज करता है ये। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन स्प्रिंग डे इन मार्च सडनली यू हर्ड कॉलिंग ऑफ कॉलिंग इन डिस्टेंस। सो मार्च स्प्रिंग के टाइम पे जब इन्होंने क्या करते थे, ट्विग्स कलेक्ट कर रहे थे फॉरेस्ट पे, एकदम आवाज आया करी ने बुलाते हुए। सो करी वॉज स्टिल यंग, उस टाइम पे कैसा था, करी बहुत ही यंग था, जब बच्चे जैसे जो रोते हैं वैसे आवाज़ पे उनको आवाज़ सुनाई भी दिया। तब इन्होंने सोचा कि कोई ना कोई उनको क्या करता है, हर्ट करते हैं, जो राइटर ने सोचा कोई ना कोई उसको हर्ट कर रहे हैं, ऐसे करके इन्होंने क्या कर दिया, जम जो ट्री से क्या करने लग गया, नीचे कूद के इन्होंने जल्दी जल्दी दौड़ के किसके पास आया, करी के पास आया। सो करी के पास जहाँ खड़ा किए थे वहाँ पास आया, तब क्या नहीं किए थे, करी को फाइंड आउट नहीं किए थे। सो फिर वहाँ वाटर साइड पे स्ट्रीम भी वहाँ चल रहा था, तो फिर वहाँ जाके नोटिस किए थे, बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का एक पार्ट है, वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉनिंग होते हैं, मतलब बहते बहते जा रहे हैं, उन्होंने नोटिस किया। तब इनको माइंड में आया, अरे करी क्या कर रहा है, बहते बहते जा रहा है ऐसे करके, तब इन्होंने क्या नहीं कर पाए, तो ही वो ही कैन नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव है करी। सो इन्होंने क्या नहीं कर सकता था, जंप करके करी को सेव कर सकते, क्यों करी को सेव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो तो कितने किलो का है, 400 पाउंड्स का है। सो करी केप्ट ऑन ट्रम्पेट एंड पुश्ड हिम टू द स्ट्रीम। सो क्या हो गया है, करी भी क्या करने लग गया है, एकदम ट्रम्पेट करने लग गया, चिल्लाने लग गया है, और ऐसे ऐसे चिल्लाते चिल्लाते रहा। फिर उसको आइस को ले लिए, मतलब आई कांटेक्ट ले लिए, और क्या करना चाहता करके उनको समझ भी नहीं आया। फिर उसके बाद क्या कर दिए, उसको पुश आउट करके कहाँ डाल दिए, स्ट्रीम में ही डाल दिए थे। फिर स्ट्रीम में डालने पर क्या हुआ था, तब इन्होंने पानी के अंदर आया, तब इनको समझ में आया कि पानी के अंदर एक बॉय क्या कर रहा है, ड्रॉनिंग कर रहा है। तब समझ में आया करी ने किसको बचा रहे थे, ये वाला बॉय क्या कर रहे थे, बचा रहे थे। तो फिर ये तो अच्छा स्विमर नहीं है, खुद क्या करता है, सांस लेने के लिए अंदर चला जाता है, मतलब बाहर आता है, फिर उसके बाद अंदर जाता है। तो फिर एक दिन एकदम बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं था और रिवर, सो ये क्या करने लग गया, एक बार नीचे गया, नीचे जाके क्या करने लग गया, उस बॉय को पाकर ढूंढ लिया। फिर ढूंढने के बाद
सासरे के लिए बाहर आया, फिर उसको उसको भाई को जाके पकड़ा। पकड़ के बाहर आते वक्त क्या कर दिए, एक ट्रंक ने क्या कर दिए थे, वहाँ के पुल आउट किए थे। सो पुल आउट करने के टाइम पे समझ में आया, अच्छा यहाँ पे क्या है, एक मरने वाला करके समझ आया, बट वो मरने नहीं वाला था क्योंकि वहाँ पे एक ट्रंप ने क्या कर दिया, उनको लेके बाहर के दोनों लोग क्या कर दिया, खींच दिया। वैसे क्या हुआ है, पार्ट नंबर 1 खत्म हुआ है। मैं शॉर्ट पे समझा देता हूँ ये क्या है करके। सो पहले करी है, करी एक एलिफेंट है, वो 5 मंथ ओल्ड का था, 9 ईयर्स बॉय का मिला। फिर इन्होंने क्या क्या खाता है, ट्विक्स को खाता है, और बनियन ट्री का ट्विक्स को क्या करता है, ज़्यादा पसंद करता है। और ट्विक्स भी एक ऐसे होना चाहिए कि उसमें कभी क्या नहीं होना चाहिए, कट एक ही कट में कटना चाहिए, अगर दो तीन चार पांच कट हो गए तो वो क्या नहीं करता, उसको खाता नहीं है। फिर एक दिन एक बॉय का लाइफ को क्या किया उन्होंने, बचाया। उस टाइम पे क्या किया था, बहुत ज़्यादा रोया था, फिर क्या करके वो राइट रखे देखने के टाइम पे समझ में आया कि पानी के अंदर एक बॉय है। फिर वो बॉय को क्या करता है, कैसे इन्होंने बचाया करके हम लोग इस पार्ट में हम लोग देखे हैं। सो इसको आप जस्ट एक बार रीड करके देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जल्द से जल्दी समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल द फर्स्ट पार्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर अ सेकेंड पार्ट। थैंक यू।